हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं ना फॉर बीकॉम स्टूडेंट, मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ, जिसके अंदर हम करेंगे बैलेंस स्कोर कार्ड, इसके एडवांटेज एंड इसकी डिसएडवांटेज। इसकी पहले की जो वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग। अगर आपने नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। ये है मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूनिट सेकेंड के मेरे हैंडमेड नोट्स, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये लास्ट टॉपिक है यूनिट सेकेंड का। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। हम स्टार्ट करते हैं। बैलेंस स्कोर कार्ड क्या होती है? बैलेंस स्कोर कार्ड स्ट्रेटजीज बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, मेकिंग स्ट्रेटजीज फॉर बिजनेस। कैसे हम अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हमारे बिजनेस स्ट्रक्चर को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उनके लिए हेल्पफुल रहता है बैलेंस स्कोर कार्ड। बैलेंस स्कोर कार्ड रिटेन ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मेजर्स, बट फाइनेंशियल मेजर्स टेल्स द स्टोरी ऑफ द पास्ट इवेंट एंड एडुकेट स्टोरी ऑफ इंडस्ट्रियल एज कंपनीज फॉर विच इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी एंड कस्टमर रिलेशनशिप वे आर नॉट क्रिटिकल फॉर सक्सेस। द फाइनेंशियल मेजर्स आर इंडिकेट हाउ आर द गाइडिंग एंड इवेल्युएट जर्नी दैट इन्फॉर्म द कंपनीज मस्ट मेक क्रिएट फ्यूचर वैल्यूज थ्रू इन्वेस्टमेंट इन कस्टमर सप्लायर इम्प्लॉयज प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। मतलब कि पहले की बताया गया कि ट्रेडिशनल मेजर्स के अंदर क्या था कि फाइनेंशियल जो मेजर होते हैं वो पास्ट के इवेंट्स को बताता है। अगर आपको लंबे समय तक आपकी बिजनेस की कैपेबिलिटी बना के रखनी है तो कस्टमर्स के साथ अच्छी रिलेशनशिप बना के रखनी पड़ेगी, उनके मतलब उनकी इवेलुएट करने के लिए, इवेलुएशन करने के लिए, उसकी जर्नी के लिए आपको प्रोसेस इम्प्लॉयज मतलब उसके अंदर इन्वेस्ट करना करके रखना पड़ेगा। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड। एडवांटेजेस क्या होंगी? ब्रिंग स्ट्रक्चर टू बिजनेस स्ट्रेटजी, अच्छे से स्ट्रक्चर बनाना बिजनेस स्ट्रेटजीज के लिए। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन मे हैव देयर ओवन वे ऑफ मेजरिंग परफॉर्मेंस, नॉट वट दे कंसिडर्ड टू इम्पोर्टेंट इन द मार्केटिंग मैट्रिक्स। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी आप मेजर कर रहे हैं परफॉर्मेंस, उसको कंसिडर करके आपको उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजीज बनाना, मेक कम्युनिकेट ईजियर, कम्युनिकेशन ईजी बनाना। मान लीजिए आप अगर आप जो आप जिससे आप बात कर रहे हो वो आपके साथ सेम लैंग्वेज में बात कर रहा है तो आपकी कम्युनिकेशन ईजी हो जाएगी, अगर आपको अलग लैंग्वेज में बात करना है तो आपके लिए कम्युनिकेशन डिफिकल्ट हो जाएगी। कम्युनिकेट अक्रॉस टर्म टीम मेंबर्स एंड डिपार्टमेंट्स बिकम ईजियर वेन एवरी वन स्पीकिंग इन द सेम लैंग्वेज। जब हर एक इंसान सेम लैंग्वेज के अंदर बात करेगा तो आपकी कम्युनिकेशन ईजी हो जाएगी। फैसिलिटेट बेटर अलाइनमेंट्स, बेटर अच्छे अलाइनमेंट प्रोवाइड करवाना हर एक लेवल के अंदर, जो भी उनके ऑब्जेक्टिव और गोल है उनको बताना, कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव है क्या गोल है। हर एक लेवल के अंदर हमें कंपनी के अंदर बताना पड़ता है। उसके बाद कनेक्ट द इंडिविजुअल वर्कर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल, हम हर एक इंडिविजुअल वर्कर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। बैलेंस स्कोर कार्ड हेल्प्स इंप्लॉयज कीप टू देयर आइज ऑन देयर प्राइस गो टू स्पीक इन द टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल वर्कर्स मे फाइंड इट हेल्प्स टू देयर परफॉर्मेंस एंड वेन दे कैन ग्रेटर पर्पज बिहाइंड द गोल ऑफ एन ऑब्जेक्टिव दे आर एमिंग टू हिट। अगर हम उससे कम्युनिकेट नहीं करेंगे बैलेंस स्कोर का उसके हेल्प के अकॉर्डिंग, तो उससे इंडिविजुअल वर्कर अगर बात नहीं करेंगे तो उनका ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो पाएगा। अगर वो एक दूसरे से हेट करने लग जाएंगे अगर उनसे हमें कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो अगर उनसे कम्युनिकेट करेंगे, उनकी प्रॉब्लम पूछेंगे तो वो हमें अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो हम अपने उसके अकॉर्डिंग अपना काम कर सकते हैं, तो हम हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो भी हार्म नहीं होगा। उसके बाद किसी चीज़ के अच्छाइयाँ होती है तो उसके अंदर बुराइयाँ होती ही होती है, तो किसी चीज़ का एडवांटेज होती है तो डिसएडवांटेज होती ही होती हैं। तो इसके डिसएडवांटेजेस ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड, इट मस्ट बी टोल्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि बैलेंस स्कोर कार्ड इज सपोज टू प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर फ्रॉम विच टू वर्क होम, हाउएवर इट इज इट विल स्टिल नीड टू द सर्कमस्टांसिस थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग द सिस्टम्स। मतलब बैलेंस स्कोर कार्ड क्या होता है, सपोज करता है कि फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है विच इज फ्रॉम हाउएवर स्टिल निर्दोष सर्कमस्टांसिस के अंदर, अगर आपको कोई भी सर्कमस्टांसिस होते हैं अगर उसके अंदर आपको यूज़ अगर आपको चाहिए तो आपको वो एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है। इसके बाद नीड इट नीड्स बाय इन द फॉर्म ऑफ लीडरशिप इन द टू बी सक्सेसफुल। अगर आपको सक्सेसफुल बिजनेस चलाना है, सक्सेसफुल आपको ब्रांड जो बैलेंस स्कोर कार्ड है वो चलाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक लीडर रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर कोई भी कंपनी है उसके अंदर आपके पास मैनेजर नहीं है तो आपकी कंपनी अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी। अगर एक बंदा किसी के जैसे कि अगर हमारे ऊपर मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं तो आपके ऊपर अगर टीचर नहीं होगा तो आप अच्छे से काम करेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर आपको कोई डांट मारने वाला ही नहीं होगा तो हम नहीं सोचेंगे, हमें कोई कुछ बोल तो रहा ही नहीं तो हम करें भी क्यों।
तो उसी के अकॉर्डिंग अगर आपके पास कोई लीडर नहीं होगा, कोई आपको मोटिवेट करने वाला, कोई आपसे काम करवाने वाला नहीं होगा, तो आप वो काम नहीं करेंगे। उसी तरीके से उसके अंदर हमें सक्सेसफुल, अगर हमें बैलेंस स्कोर कार्ड को सक्सेसफुल करना है, तो हमें एक लीडर ज़रूरी होगा। फॉर द बैलेंस स्कोर कार्ड सिस्टम टू फुल्ली इफेक्टिव, इट मस्ट बी इम्प्लीमेंट फ्रॉम द बॉटम ऑफ ऑल द वे ऑफ द टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो भी इम्प्लीमेंटेशन होते हैं, उसकी बॉटम अपर लेवल से लोअर लेवल तक, अपर मिडल लोअर तीन लेवल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बॉटम से लेके जो टॉप लेवल है उस तक हमें एक लीडर की ज़रूरत होती है। उसको मैनेज करने के लिए हमें एक लीडरशिप की ज़रूरत होती है, ये ज़रूरी है। इट कैन बी गेट कॉम्प्लिकेटेड, वो कॉम्प्लिकेटेड होता है जो बैलेंस स्कोर कार्ड है वो, मतलब हमें कई बार समझ में भी नहीं आता उसकी स्ट्रेटेजी, समझ में नहीं आती। द फ्रेमवर्क इटसेल्फ ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड टेक्स सम टाइम्स एंड डिडक्ट द अंडरस्टैंडिंग, मतलब हमें उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें उसको टाइम चाहिए होता है। दे आर द काउंटलेस रिसोर्स एंड द स्टडी ऑफ रीड फ्रॉम द विटी एंड इट इज़ ईजी टू जस्ट डाउन इन द मैनी डिफरेंट वेज ऑफ द यूजिंग दिस मेथड। मतलब काउंटलेस रिसोर्स होते हैं हमारे पास, उनको स्टडी करना बहुत मुश्किल होता है। गेट बजटेड डाउन द मैनी डिफरेंट वेज के अंदर हम उसको डाउन कर सकते हैं, बट उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, उसको कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इतने सारे रिसोर्स को अंडरस्टैंड करना, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, काउंटलेस होते हैं वो। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का भी और इस यूनिट का भी। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डाटा मोस्ट ऑफ द टाइम, बैलेंस स्कोर कार्ड रिक्वायर्स ए, मतलब अगर हमें स्ट्रेटजीज बनाने तो उसके उसको बहुत से डाटा की ज़रूरत होती है। हमारे पास सारा डाटा कलेक्ट होगा कंपनी के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तभी तो हम अपनी रिपोर्ट इजीली तैयार कर सकते हैं, इजीली हम अपनी जो स्ट्रेटजीज हैं वो इजीली बना सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम बैलेंस स्कोर कार्ड रिक्वायर्स मैनेजर्स एंड टीम्स मेंबर्स ऑफ रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन विच मीन्स लोग इन डाटा, मतलब बहुत ज़्यादा डाटा की उनको ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे पास जितना डाटा होगा उसी के अकॉर्डिंग तो हम स्ट्रेटजीज बना पाएंगे कि हमारे पास हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, हमारी सारी कंडीशन कैसे चल रही है, कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट हमारी कैसी चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग ये तो हमारे तो बैलेंस स्कोर कार्ड करने के लिए, स्ट्रेटजीज बनाने के लिए हमें बहुत से डाटा की ज़रूरत होती है। तो ये इसकी लिमिटेशन हो गई, डिसएडवांटेज हो गई। ये थे यूनिट, ये है यूनिट सेकंड के टॉपिक्स, वैल्यू चेन एनालाइज, एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग, बैलेंस स्कोर कार्ड, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, जो हमने आज की वीडियो में कवर किए हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूनिट सेकंड के टॉपिक्स यही हैं, मैंने जो करवा दी। मैंने आपको एक बात बताती हूँ, मैं कि मैंने आपको प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं करवाया, मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको नहीं करवाती हूँ, ये आपको भी पता है। तो उसी के टाइप के अकॉर्डिंग अब मैंने आपको डिजिटल मार्केटिंग और ब्रांड मैनेजमेंट का फुल सिलेबस करवा चुकी हूँ, मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवा चुकी हूँ, सारे टॉपिक्स मैं आपको कवर करवा चुकी हूँ, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की भी हमने यूनिट सेकंड कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारी जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की थर्ड यूनिट, जो अगली वीडियो आएगी उसके अंदर हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए जिनके आपको बुक मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होते, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।